नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में समायोजन हेतु सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है, जो अध्यापकों के समायोजन अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में है, और यह स्थानांतरण एवं समायोजन हेतु किस प्रकार से सरप्लस अध्यापकों को चिन्हित किया जाएगा एवं किस तरह से डेफिसिट अर्थात कमी वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा, उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी पर हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इस पत्र के अनुसार प्रथम चरण में समायोजन प्राथमिक विद्यालयों में किया जाना है, उसके पश्चात दूसरा जो चरण होगा वो उच्च प्राथमिक विद्यालयों का समायोजन का होगा। तो इसमें क्या निर्देश है प्राथमिक विद्यालयों के समायोजन हेतु सरप्लस और डेफिसिट सहायक अध्यापकों के संबंध में। सबसे पहले, ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहां पे शून्य नामांकन है, अर्थात ऐसे विद्यालय जो बंद की श्रेणी में है, अर्थात उनमें कोई भी नामांकन नहीं है, तो ऐसे विद्यालयों में जहां पर अगर पहले से शिक्षा मित्र कार्यरत है और वहां पे जो बच्चों की संख्या वो शून्य है, तो विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र के अलावा सभी सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक सरप्लस माना जाएगा, अर्थात सभी सहायक अध्यापकों और प्रधान अध्यापकों का वहां से समायोजन होगा। आगे, ऐसे ही विद्यालय जहां पर शून्य नामांकन है, अर्थात जो बंद की श्रेणी में है, वहां से अगर विद्यालय शिक्षा मित्र कार्यरत नहीं है, वहां पर अगर शिक्षा मित्र नहीं है और विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों में से जो भी, अगर वहां पे सहायक अध्यापक हैं, तो वरिष्ठतम को छोड़ते हुए, उन सहायक अध्यापकों में जो सबसे वरिष्ठ है उसे छोड़ते हुए, सभी शेष सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक भी सरप्लस माने जाएंगे। अर्थात जीरो नामांकन वाले विद्यालयों में केवल सबसे जो वरिष्ठ सहायक अध्यापक है उसी को वहां पे छोड़ा जाएगा, बाकी शेष प्रधान अध्यापक और जूनियर सहायक अध्यापकों का वहां से समायोजन किया जाना है। एक बार फिर समझ लें कि ऐसे बंद विद्यालय जहां पर जीरो नामांकन है और वहां पे कोई भी शिक्षा मित्र नहीं है, तो वहां से जो वरिष्ठ सहायक अध्यापक है उसको उसी विद्यालय में रहने दिया जाएगा, और बाकी जो कनिष्ठ सहायक अध्यापक है और प्रधान अध्यापक है उन्हें सभी को वहां से सरप्लस घोषित किया जाएगा और उनका समायोजन होगा। तीसरा पॉइंट है, विद्यालय जहां पर पूर्व से एक शिक्षक अर्थात शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक को जोड़कर उनमें से कोई सभी, या तो सहायक शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक है, शिक्षा मित्र है, प्रधान अध्यापक एक कार्यरत है, तो कार्य तो ऐसे विद्यालय को डेफिसिट नहीं माना जाएगा, अर्थात उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं होगी समायोजन के लिए, अर्थात उसमें कोई भी नया अध्यापक नहीं आएगा, उसमें एक शिक्षक ही बना रहेगा ऐसे बंद विद्यालय में, चाहे वो सहायक अध्यापक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो या प्रधान अध्यापक हो, उसमें से ना तो हटाया जाएगा और ना ही उसमें रखा जाएगा। चौथा पॉइंट है, विद्यालय जहां पर पूर्व से जीरो शिक्षक शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक व प्रधान अध्यापक जोड़कर कार्यरत है, अर्थात ऐसे बंद विद्यालय जहां जीरो बच्चे नामांकित हैं, वहां पर कोई भी सहायक अध्यापक शिक्षा मित्र या प्रधान अध्यापक नहीं है, तो वहां पर एक वैकेंसी प्रदर्शित की जाएगी सहायक अध्यापक की, वहां पर न तो प्रधान अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी और ना ही शिक्षा मित्र की, वहां पर केवल एक सहायक अध्यापक की वैकेंसी की जाएगी और उसमें एक सहायक अध्यापक को भेजा जाएगा। आगे स्थिति आती है कि एक से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में आरटीई मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालय तथा सरप्लस प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का चिन्हांकन किस तरह से किया जाना है, अर्थात ऐसे विद्यालय जहां पर कम से कम एक नामांकन है और अधिक से और 150 से अधिक नामांकन है। सबसे पहले देखिए, इसमें ऐसे विद्यालयों में एचटी प्राइमरी और एटी जूनियर का कैडर को समान रूप से माना गया है, अर्थात ऐसे जो एटी जूनियर है उन्हें भी प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर ही माना जाएगा। ऐसे विद्यालय जहां पर 150 से अधिक नामांकन है, देखिए जहां पर 150 से अधिक नामांकन है उन्हीं विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद सृजित माना जाएगा, तो वहां पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर के कार्यरत नहीं है अगर मान लीजिए, तो ऐसे विद्यालय को डेफिसिट माना जाएगा, अर्थात एक जो वैकेंसी है वो प्रधानाध्यापक के प्राथमिक स्तर की प्रदर्शित की जाएगी, वहां पर एक प्राथमिक स्तर का प्रधानाध्यापक भेजा जाएगा। आगे है सरप्लस प्रधानाध्यापक का चिन्हांकन। विद्यालय जहां पर एक से अधिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत है और जहां पर 150 से अधिक बच्चे भी नामांकित हैं, वहां पर एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक को स्तर को छोड़ते हुए, अर्थात वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक को वहां पे छोड़ा जाएगा, बाकी जो कनिष्ठ हैं प्रधानाध्यापक हों जितने भी, उन्हें सभी को सरप्लस घोषित किया जाएगा, अर्थात वरिष्ठ प्रधानाध्यापक ही वहां पर रहेगा। शून्य से अधिक परंतु 150 से कम नामांकन वाले विद्यालय में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर के सरप्लस माना जाएगा, अर्थात किसी विद्यालय में 151 से कम नामांकन है, अर्थात 150 भी नामांकन है, तो वहां पर किसी भी प्रधानाध्यापक को नहीं रहने दिया जाएगा, अर्थात ऐसे विद्यालयों से समस्त प्रधानाध्यापकों का समायोजन किया जाएगा। आगे है प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी को भरा जाना, किस तरह से भरा जाएगा। शून्य नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में
सरप्लस चिन्हित प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा, अर्थात जितने भी चिन्हित प्रधानाध्यापक हैं जो सरप्लस वाले हैं उनका एक पूल बनाया जाएगा। सर्वप्रथम इस पूल के प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी के प्रति समायोजन किया जाएगा, अर्थात कनिष्ठतम क्रम में किया जाना है। जो सबसे पहले कनिष्ठ है उसका सबसे पहले समायोजन ऐसी वैकेंसी के प्रति किया जाएगा। यदि उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत जनपद स्तर पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी रह जाती है, अगर वैकेंसी फिर भी रह गई है, तो एक से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों जहां पर एक से अधिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत हैं, अर्थात जहां पर नामांकन एक से अधिक है और एक से अधिक प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं, में सरप्लस चिन्हित प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा। इस पूल के प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी के प्रति समायोजन किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जितने भी ऐसे विद्यालयों में प्रधानाध्यापक अधिक हैं जिनमें नामांकन एक से अधिक है लेकिन 100 और 150 से कम है, तो उनके भी जो प्रधानाध्यापक हैं उनका समायोजन ऐसे विद्यालयों में किया जाएगा जहां पर कि प्रधानाध्यापक की आवश्यकता है। उसके बाद यदि उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत भी जनपद स्तर पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी रह जाती है, अर्थात ऐसे विद्यालयों की संख्या रह जाती है जहां पर प्रधानाध्यापक की वैकेंसी है, तो 0 से अधिक परंतु 151 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में जहां प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत हैं में सरप्लस चिन्हित प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा। इस पूल के प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी के प्रति समायोजन किया जाना है। जब तक की वो वैकेंसी नहीं भरी जाएंगी तब तक उनका समायोजन होता रहेगा उन वैकेंसी के सापेक्ष, अर्थात किया जाना है जो समायोजन है वो कनिष्ठ का ही पहले किया जाएगा, वरिष्ठ का उसके बाद में किया जाएगा। फिर है एक से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय में आरटीई मानक के अनुसार डेफिसिट तथा सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर का चिन्हांकन। ये ऊपर तो था प्रधानाध्यापक का, अब सहायक अध्यापक का किस तरह से चिन्हांकन होना है। तो विद्यालयवार आरटीई मानक के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की आवश्यकता का निर्धारण। विद्यालयवार आरटीई मानक के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की आवश्यकता से अधिक कार्यरत सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या के बराबर कनिष्ठतम सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जाएगा। कहने का मतलब है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की आवश्यकता से कार्यरत जितने भी सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या के बराबर जो भी कनिष्ठ सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर के हैं उन्हें सभी को सरप्लस माना जाएगा। सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या डेफिसिट पदों की संख्या से अधिक होने की स्थिति में डेफिसिट पदों की संख्या के बराबर समायोजन किया जाएगा, अर्थात समायोजन केवल इतनों का किया जाएगा जितनों की कमी पड़ रही है समायोजन के लिए, कमी के लिए बाकी को छोड़ दिया जाएगा। सरप्लस की संख्या डेफिसिट पदों की संख्या के से कम होने की स्थिति में, सरप्लस की संख्या डेफिसिट पदों की संख्या से कम होने की स्थिति में रिक्तियों हेतु विद्यालयों का चयन डेफिसिट विद्यालयों की सूची में से निम्नवत किया जाएगा, अर्थात अगर सरप्लस की संख्या कम है और जो रिक्तियों की संख्या है वो अधिक है तो उसमें इस क्रम में उनका निम्नवत समायोजन होगा। सबसे पहले शून्य शिक्षक व शून्य शिक्षा मित्र वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में, अर्थात सबसे अधिक जिसमें नामांकन है उस विद्यालयों में जो शून्य शिक्षक हैं और शून्य सहायक हैं, अर्थात वो बंद हैं और लेकिन सबसे अधिक जो छात्र हैं उन विद्यालयों में दो दो शिक्षकों को भेजा जाएगा। फिर शून्य शिक्षक परंतु शिक्षा मित्र कार्यरत वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के क्रम में सबसे अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में ऐसे विद्यालय जिनमें शिक्षा मित्र कार्यरत हैं उनमें एक एक शिक्षक को भेजा जाएगा। फिर एक शिक्षक व शून्य शिक्षा मित्र अर्थात ऐसे विद्यालयों में जिनमें एक शिक्षक कार्यरत है और सबसे अधिक जो नामांकन वाले विद्यालय हैं उनमें सबसे पहले एक एक शिक्षक को भेजा जाएगा। फिर एक शिक्षक परंतु शिक्षा मित्र कार्यरत वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में एक एक शिक्षक को भेजा जाएगा। अगर विद्यालय में एक शिक्षक और एक शिक्षा मित्र कार्यरत है पहले से तो सबसे अधिक नामांकन वाले जो विद्यालय हैं उनमें सबसे पहले एक एक शिक्षक को भेजा जाएगा। फिर तत्पश्चात आरटीई मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में एक एक शिक्षक को भेजा जाएगा। उसके बाद अगर अध्यापक बचते हैं तो उन्हें आरटीई मानक के अनुसार कमी वाले विद्यालयों में एक एक शिक्षक के अनुपात में भेजा जाएगा। तत्पश्चात आरटी मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में एक एक अतिरिक्त शिक्षक उपरोक्त कार्यवाही सरप्लस अध्यापक के प्राथमिक स्तर की उपलब्ध संख्या के समायोजित होने तक कम से कम जारी रहेगी, अर्थात जितने भी सरप्लस अध्यापक हैं उनकी जो सूची जब तक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक उनका समायोजन इसी क्रम में चलता रहेगा। सरप्लस अध्यापक सहायक अध्यापक सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर हेतु रिक्तियों की संख्या यथासंभव कुल सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या से 5 अधिक का चिन्हांकन किया जाएगा, अर्थात रिक्तियां जितने भी अध्यापक उपलब्ध हैं उनसे 5 अधिक तैयार की जाएंगी। और विद्यालय आवंटन हेतु सबसे पहले दिव्यांग महिला वरिष्ठता के अनुसार, फिर दिव्यांग पुरुष वरिष्ठता के अनुसार, शेष महिला वरिष्ठता के क्रम में और शेष पुरुष वरिष्ठता के क्रम में इस तरह से उन्हें विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। तो सबसे पहले प्राथमिक स्तर का ही समायोजन किया जाना और उसमें भी जो प्रधान अध्यापक हैं उनका समायोजन किया जाएगा ऐसे विद्यालयों से जहां पर 150
से कम नामांकन है, अर्थात 151 से कम नामांकन है, 150 भी नामांकन है, तो ऐसे विद्यालयों से प्रधानाध्यापकों का समायोजन किया जाएगा और उसके बाद सहायक अध्यापकों का समायोजन किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।